सागर जिले के राहतगढ़ में लगातार दूसरे दिन अनुभूति कार्यक्रम का आयोजन। आज एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों ने लिया भाग। गुरुवार को सागर जिले के राहतगढ़ में वन विभाग राहतगढ़ द्वारा लगातार दूसरे दिन भी अनुभूति कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें शासकीय एक्सीलेंस हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों ने भाग लिया। मध्य प्रदेश इको पर्यटन बोर्ड के बैनर तले आज का यह आयोजन वन परिक्षेत्र राहतगढ़ की शेरपुर दरकोली बीट में हुआ, जहां पर बच्चों ने वन के भ्रमण के दौरान वनों के महत्व को समझा। मास्टर ट्रेनर्स ने बच्चों को बताया कि जंगल किस तरह हमारे जीवन के लिए आवश्यक हैं, के जंगलों का औषधीय उपयोग क्या है आदि विषय को लेकर विस्तार से समझाया गया। कार्यक्रम के दौरान पर्यावरण संरक्षण विषय को लेकर निबंध लेखन और क्विज प्रतियोगिता का आयोजन किया गया और विजेता बच्चों को पुरस्कार देकर उनकी हौसला अफजाई की गई। साथ ही कार्यक्रम के दौरान उपस्थित जनसमूह ने पर्यावरण को बचाने के लिए शपथ भी ली। चर्चा परिचर्चा के समय छात्रों ने मास्टर ट्रेनर से पर्यावरण के संबंध में सवाल पूछकर अपनी जिज्ञासा को शांत किया। कुल मिलाकर आज का यह आयोजन एक अच्छी अनुभूति के साथ समाप्त हुआ, जिसमें बच्चों ने जंगल को करीब से देखा और महसूस भी किया। उन्होंने जाना कि जंगल का संरक्षण क्यों जरूरी है। उन्होंने जाना कि जंगल से हमें कौन कौन सी जीवनदायिनी औषधियाँ प्रदान होती हैं, कौन कौन सी औषधियाँ हमें मिलती हैं। बसंत ऋतु में जब पलाश फूलता है ना, तो जंगलों की शोभा देखते ही बनती है। और बचपन में मैं ही हाथी घोड़े बनकर बहलाता हूँ, और बचपन से मृत्यु तक हूँ साथ तुम्हारा देता, इसलिए वंदना करता है। बचपन से मृत्यु तक हूँ साथ तुम्हारा देता, और अंत काल के समय रूप चिता का धरता, इसलिए वंदना करता हूँ। हे मानव मुझे पनपने देना, मुझे पनपने देना, और अपना ही एक अंग जान मेरी रक्षा करते।